संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूर्णिमा का स्नान भोर से ही शुरू हो गया था। पौष पूर्णिमा पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने लिए मोक्ष की कामना करते हैं। हालांकि प्रयागराज में बेहद ठंड और गलन है, लेकिन लोगों की आस्था इस ठंड पर भारी पड़ रही है। इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद से ही माघ मेले की शुरुआत हो जाती है। प्रयागराज में माघ के महीने में ही हर साल लाखों श्रद्धालु एक महीने तक यहीं रहकर मोह माया से दूर रहते हुए कल्पवास करते हैं। समूची दुनिया में कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर ही होता है। पौराणिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन से ही सभी 33 करोड़ देवी देवता विसंगम की रेती पर आकर एक महीने के लिए अदृश्य रूप से यहाँ विराजमान हो जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक संगम की रेती पर कल्पवास करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के बंधनों से आजाद हो जाता है। आज से माघ मेले का स्टार्टिंग हो चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी तमाम श्रद्धालु, कल्पवासी और साधु महात्मा सभी लोग आज यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। और इसको लेकर के माघ मेला प्रशासन ने अपनी पूरी सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हुई हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग मुस्तैदी के साथ अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। यात्रियों के लिए 5 से 6 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं। घाटों पर चेंज रूम, साइनेजेज और कौशन बोर्ड लगाए गए हैं। घाटों पर उनकी सुरक्षा के लिए SDRF और जल पुलिस की टीम मजबूती से लगी हुई है। इसके अलावा स्वच्छता व्यवस्था को लेकर के 300 स्वच्छाग्रही लगाए गए हैं, जो लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। उसके अलावा 5,000 से ज़्यादा की संख्या में जन शौचालय लगाए गए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। माघी पूर्णिमा का प्रथम दिवस है, माघ स्नान का प्रथम दिवस है। इस दिवस में उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं। इस बार तो 4 दिन बाद प्रवेश हो रहा है, फिर भी हम आज से इसको मानते हैं। यहाँ प्रातःकाल स्नान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है, हमारे विचार सुंदर होते हैं और हम जगत कल्याण के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। इस प्रकार से आज यह पूर्णिमा का पर्व सनातन बहुत दिन से चला रहा है। मैं तो यहाँ 1952 से कल्पवास में आया हूँ और पहले यही अध्ययन छात्र जीवन में था। आज से कल्पवास चालू होगा। कल्पवास माने काया का प्रकरण को त्याग करना। कल्पवास का मुख्य अर्थ होता है त्याग, तो त्याग ही होता है। सैया का त्याग होता है और भोजन का त्याग होता है। कोई एक वक्त रहता है, कोई लहसुन प्याज ये छोड़ देता है जो खाता रहता है। पौष पूर्णिमा, ये पौषी पूर्णिमा है। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। इसको खरमा